तो हमने लास्ट टाइम यही डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई वेव फ्रंट थीटा एंगल पर मुड़ जाए तो उस केस में ये वेव यहाँ पर आके मिलेंगी, तो यहाँ पर जब पी पॉइंट आएगा तो ये जो वेव फ्रंट है ये हमारा वेव फ्रंट है, ये हमारा वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट और ये स्लिट है, स्लिट की विड्थ क्या है ए है, और वेव फ्रंट थीटा एंगल पर मुड़ गया। तो ये जो वेव फ्रंट है यहाँ से जो वेव आएगी, यहाँ वेव फ्रंट से जो वेव आएगी वो इक्वी डिस्टेंट होगी, वो बराबर डिस्टेंस पे होगी, लेकिन नीचे वाली वेव ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी ऊपर वाली वेव से बाय एन एंग बाय कितना डिस्टेंस, अगर ये ए ये थीटा तो ये ए साइन थीटा। इस ए साइन थीटा को हमने क्या नाम दिया था, पाथ डिफरेंस। तो पी पॉइंट पर ऊपर और नीचे की वेव में पाथ डिफरेंस कितना है, ए साइन थीटा। और मैंने आपको ये बताया था कि इसमें एक्सप्लेनेशन आपको कैसे देनी है, आपको एक्सप्लेनेशन ऐसे देनी है कि अगर इफ़ पाथ डिफरेंस, पाथ का जो डिफरेंस है जो कि कितना है ए साइन थीटा, अगर वो किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है, तो होल वेव फ्रंट या होल ये जो स्लिट है कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स सच दैट इनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय टू और इनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय टू। तो जो वेव इस सेगमेंट में होंगी या इस पोर्शन में होंगी उतनी ही वेव इस पोर्शन में होंगी, आपस में कैंसिल करेंगी और ये पॉइंट पी पॉइंट यहां पर क्या आएगा, मिनिमा। ठीक, फिर हमने ये किया कि अगर ये पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा किसके इक्वल है, टू लैम्डा, तो होल वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल हाफ्स, एक दो तीन और चार, हैविंग अ पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय टू लैम्डा बाय टू लैम्डा बाय टू लैम्डा बाय टू। तो ये सेगमेंट की वेव इसको कैंसिल करेंगी और ये इसको कैंसिल करेंगी और ये पॉइंट किसका आएगा, मिनिमा। उसी तरीके से अगर ये पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा किसके इक्वल है, थ्री लैम्डा, तो सिक्स इक्वल हाफ्स में, तो आपस में कैंसिलेशन तो मिनिमा। तो ऐसे ही अगर ए साइन थीटा किसके इक्वल है, एन लैम्डा, तो ये कंडीशन किसकी आ जाएगी, मिनिमा। इस कंडीशन को नोट कर लें, कंडीशन ऑफ मिनिमा। ठीक है यहाँ तक। उसी तरीके से अगर ये पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा किसके इक्वल है, थ्री लैम्डा बाई टू, तो होल स्लिट कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री इक्वल हाफ्स, लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू। तो ये वाली वेव्स का पार्ट इसे कैंसिल करेंगी और इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं होगा, तो यहाँ पर पी पॉइंट पर क्या प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम। उसी तरीके से अगर ए साइन थीटा कितना, फाइव लैम्डा बाई टू, तो उस केस में पांच इक्वल हाफ्स में इसे डिवाइड करेंगे, लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू एंड लैम्डा बाई टू। तो ये वाला पार्ट इसे कैंसिल, ये वाला पार्ट इसे कैंसिल, इसे कैंसिल कोई नहीं करेगा, तो पॉइंट क्या आएगा, मैक्सिमा। तो इसीलिए मैक्सिमा की कंडीशन क्या बनेगी, ए साइन थीटा इज टू एन प्लस वन इन टू लैम्डा बाई टू। तो ये कंडीशन याद करें किसकी, टू प्रोड्यूस मैक्सिमा। तो ये पॉइंट भी क्लियर है सबको यहाँ तक। अब दूसरा पॉइंट, इसमें जो इंटरफेरेंस है उसमें हमने मैक्सिम जो कंडीशन बनाई थी ऑड मल्टीपल की, वो 2n माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू थी। इसमें मैंने क्या यूज़ किया, 2n प्लस वन। तो ऐसा क्यों यूज़ किया 2n प्लस वन, 2n माइनस वन क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि जब मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू वन पुट करूँगा तो मेरी पहली कंडीशन आएगी a साइन थीटा इज इक्वल टू थ्री लैम्डा बाई टू, और अगर मैं 2n माइनस वन यूज़ करूँगा तो n वन पुट करूँगा तो a साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, लैम्डा बाई टू। अब लैम्डा बाई टू हो नहीं सकता, रीज़न ये कि जब मैंने सेंट्रल पॉइंट की बात की थी स्क्रीन के ऊपर, ये सेंट्रल पॉइंट था, सेंट्रल पॉइंट पर ये फिगर बनी थी, तो ये क्या था लैम्डा बाई टू, ये क्या था लैम्डा बाई टू। तो ऑब्वियसली अगर मैं कोई और केस सेंटर के अलावा डिस्कस करूँगा तो उसका आंसर लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू और लैम्डा बाई टू, इससे ज़्यादा ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, सेंट्रल पॉइंट तो बेसिक पॉइंट है, इसके बाद तो काउंटिंग स्टार्ट है। तो यानी कि जो पहला पॉइंट सेंट्रल पॉइंट है, जब उसी को दो हिस्सों में कम से कम डिवाइड किया तो बाकी जो पॉइंट आएंगे इसमें तो और भी वे इस स्लिट को डिवाइड करना पड़ेगा और ज़्यादा हिस्सों में, तो लैम्डा बाई टू अकेला तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसीलिए कम से कम क्या चाहिए, थ्री लैम्डा बाई टू। तो इसलिए टू एन प्लस वन यूज़ किया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक, तो
आपके पास ये कंडीशन आ गई मैक्सिमा और मिनिमा की। इसको और तरीके से डिस्कस करते हैं, लास्ट टाइम एक वीडियो देख रहे थे, इसी को कंटिन्यू करते हैं जो वीडियो हमने लास्ट टाइम देखी थी ताकि और समझ में आए। ये हमने देख लिया था, यहाँ तक हमने कर लिया था। हम सिंगल स्लिट से शुरू करेंगे। Alternate dark and bright pattern is formed on the screen. Now let us discuss about the diffraction pattern formed by a monochromatic light source. Consider a plane wavefront XY of wavelength lambda incident on a narrow slit AB of width small a. According to Huygens' principle, every point on the wavefront at the slit will become source of secondary wavelets. Waves of same amplitude are emitted from these points in all directions. With the help of a convex lens L, all these waves are focused onto a screen placed at a distance d from the slit. A diffraction pattern is obtained on the screen, and the pattern consists of alternate bright and dark bands of decreasing intensity on either side of the central maximum. Now, let's calculate what causes these bands. Now consider a point O on the screen which lies on the perpendicular bisector of the slit. The wavelets that fall on the lens L1 parallel to CO converge on point O, since the waves from these points travel equal distances to reach point O. The phase difference between them will be zero. The waves superpose with each other and produce maximum intensity at O. This point O becomes the location of central bright fringe. Now consider an arbitrary point P on the screen. All the secondary waves from the slit AB make an angle theta with CO and reach the point P. The intensity at point P depends on the path difference between the waves. Now, let us draw a perpendicular AN from the point A to this ray diffracted from B. Now, the distance BN gives the path difference between the secondary waves from A and B reaching point P. From triangle ANB, BN by AB is equal to sine theta and BN is equal to AB sin theta. Since AB is the slit width which is equal to A and BN is the path difference, therefore the path difference is equal to A sin theta. Now case 1, if the path difference between the waves is equal to lambda. To analyze this condition, let us divide the whole wavefront AB into two equal halves, AC and CB. Since the path difference between the secondary waves from A and B is lambda, the path difference between the secondary waves from A and C reaching P will be lambda by 2. Due to path difference of lambda by 2, these two waves will interfere destructively at point P. Overall, point P will be of minimum intensity and it is called first secondary minimum. कि कैसे वेव्स वेव फ्रंट के सेकेंडरी सोर्स एक्ट करता है और वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट से कैसे यहाँ पर मिनिमा या मैक्सिमा आ सकता है। थ्योरी हम कर चुके, कंडीशन में बना चुके, तो इसकी देखने की ज़रूरत नहीं है थ्योरी। अब मैथमेटिकली हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में क्या आएगा, पेपर में आएगा कि डिफ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन, और राइट कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो कैसे बना मैक्सिमा मिनिमा, वो तो ऊपर ऊपर से मैं एक्सप्लेन कर ही दिया, और डिटेल्ड तो मैंने बताया था लास्ट टाइम की इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, वो तो आउट ऑफ स्कोप है हमारे सिलेबस के। बट आपको लिखना कैसे है, आपको इसमें लिखने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझना है। बोलो सर, विजिबल नहीं हो क्लियरली।
क्या सभी को विजिबल नहीं की, आप ही को, बाकियों को सर विजिबल मतलब है? काफी डार्क हुआ होगा। अच्छा ओके, ठीक है। बेटर है, सर स्क्रीन नहीं आप फिर 2 मिनट रुकिए, विजिबल है सर। आप मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन करने दो, मेरी विजिबल रिकॉर्डिंग सारी हो जाएगी। एक